हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। तो संडे व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कहने को तो होता है संडे, पर हाउसवाइफ्स के लिए संडे को एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो बस अभी सुबह के बज रहे थे 8:30, संडे था तो थोड़ा सा लेट उठे थे हम लोग सो के, और बस अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। चाय रख दिया है मैंने, और चाय के लिए अलग ही दूध लेती हूँ, तो बस वही गर्म करना था मुझे। और बना रही हूँ बेसन का चीला। तो सिंपल जो बेसिक तरीका होता है बस वही मैंने किया था। बस हरी धनिया और टमाटर मैंने नहीं डाला था, क्योंकि आरुष को टमाटर नहीं पसंद है और धनिया, इस टाइम बारिश का सीज़न है, धनिया सही से मिल नहीं रहा है कहीं पर भी। तो इसलिए अभी ये दक्षिता के लिए मैं कटोरी में अलग से निकाल दे रही हूँ, फिर हरी मिर्ची वगैरह ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी मैं डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो सिंपल अभी इसका चीला बना लेंगे, और पहले बच्चों को हस्बैंड को दे दूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी बाथरूम वगैरह क्लीन करके, क्योंकि अभी संडे को ही मैं क्लीन वगैरह करती हूँ बाथरूम वगैरह, क्योंकि ना और दिन बच्चों का स्कूल रहता है तो हड़बड़ी रहती है इन सब की भी, तो बस इसलिए। तो अभी बस नाश्ता हो गया है तैयार, और सबको दे करके तब मैं जाऊंगी। और एक बार ना मेरे पास आया था एक रिक्वेस्ट कि क्लीनिंग व्लॉग बनाने के लिए, बाथरूम वगैरह क्लीनिंग का भी, तो वो उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका नहीं बना पाऊँगी शायद कभी भी। तो बस अभी मैं नहा धो करके बाथरूम क्लीन किया, मैंने दो बाथरूम है मेरे यहाँ अभी, तो उन दोनों को क्लीन किया, नहा करके आ गई हूँ, पूजा कर ली है मैंने। अब मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने। तो मुझे तो बस चाय के साथ, चीले के साथ बस मुझे चाय ही पसंद है और कुछ भी नहीं। तो बस ये है मेरा आज का नाश्ता, और इसके अलावा बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो मैंने सोचा पहले दाल वगैरह चढ़ा देते हैं, एक और होता भी रहेगा। तो अभी दाल चढ़ा करके टमाटर मैं रखा, क्योंकि हस्बैंड को खाना था आज टमाटर की चटनी, जो सिंपल बनाते हैं प्याज वगैरह काट करके बारीक बारीक, तो उसके लिए मैंने टमाटर रख दिया। और अभी मैं बेडशीट चेंज करने जा रही थी, तब हस्बैंड ने बोला कि ऐसा फ़ैन भी क्लीन कर दो, तो वो नीचे से जा कर के सीढ़ी ले आए, और मेरा ट्राईपॉड भी ख़राब हो गया है एक्चुअली। और इस सीढ़ी पर ना मतलब चढ़ के सफाई वफाई करने में अब डर लगता है, क्योंकि ना यमुनानगर में थोड़ा कुछ ऐसा हो गया था, मतलब मेरे देवर ऐसे ही चढ़ के कुछ साफ़ सफाई कर रहे थे, तो वो स्लिप कर गया था सीढ़ी और वो गिर गए थे, उन्हें काफ़ी चोट आई थी, तो इस वजह से तब से मुझे डर लगता है। और ये वाली सीढ़ी ना थोड़ा बहुत मतलब बहुत फ्लिमजी सी थी, बहुत हिल रही थी, इसीलिए मुझे और डर लग रहा था। तो खैर सारा ये सब किया मैंने, तब तक की दाल भी हो गया था, टमाटर भी बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा भून लिया था तवे पे, तो ये सब करके। और आरुष चला गया था बाल कटाने, दक्षिता अपने पापा के साथ खेल रही थी, ये सब मैंने क्लीन वगैरह किया। और इसके बाद से मैंने लगाया पहले तो दाल में तड़का, सिंपल लहसुन जीरा लाल मिर्च और हींग वगैरह का, टमाटर प्याज डाल करके बढ़िया सी दाल बनाई। क्योंकि आप लोगों को सुन के शायद आश्चर्य होगा कि मेरे हस्बैंड को कोई भी वेजिटेबल नहीं पसंद है, कोई भी वेजिटेबल नहीं, भिंडी बस वो कभी कभार खा लेते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन हरी सब्जियों में उन्हें और कोई सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इन सब चीज़ों को लेकर के, और अभी सावन चल रहा है तो इसीलिए मैंने नॉनवेज वगैरह के लिए भी मना कर रखा है। तो बस अभी दाल में तड़का लग गया है, और मैं चटनी इसी में बना लूँगी, पीस करके नहीं, क्योंकि ना उनको यही वाला खाना था, इसमें धनिया अगर रहता ना, हरी धनिया इसमें डाल दो तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन धनिया बारिश की वजह से मैं ला नहीं रही हूँ, बहुत ख़राब ख़राब सा मिल रहा है इसलिए। तो बस अभी चटनी भी बन के हो गई है तैयार, चावल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, दाल में तड़का लगा करके चावल मैंने चढ़ा दिया था, रोटी बनानी नहीं है मुझे दोपहर में, रोटी हम लोग खाते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। तो बस टमाटर की चटनी तैयार हो गई है, दाल तैयार हो गया है मेरा, अभी बना लेते हैं फटाफट से रायता। तो यहाँ पे पैकेट की दही ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो बस इस दही में ये ना हल्दीराम का बूंदी आता है,
तो इसी के साथ ये रायता का मसाला भी देते हैं। तो बस वही मिक्स करके रायता बना लेती हूँ फटाफट से, जल्दी बन भी जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, मसाला आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा हल्का ही डाला था क्योंकि दक्षिता को फिर तीखा नहीं पसंद है। बूंदी बाद में डालूँगी जब सर्व करूँगी तब। और ये रहा पापड़, राइस भी बन गया है, सारा खाना हो गया है तैयार। अभी फटाफट से लंच की थाली प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल और देसी लंच की थाली हो गई है तैयार। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो बच्चों को और हस्बैंड को लंच मैंने दे दिया, वो लोग हॉल में बैठ के अपना खा रहे हैं। मैं वापस से आ गई हूँ रूम क्लीन करने के लिए। फ़ैन क्लीन किया था मैंने तो काफ़ी गंदा हो गया था बेड भी, तो उन सबको अच्छे से झाड़ करके झाड़ू लगाया। अभी बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी थी। और हाँ, एक बात आप लोगों से और बोलनी थी कि अगर आप लोग हाउस टूर देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप लोग देखना चाहते हो या नहीं, क्योंकि जिस तरह के आते हैं, अभी क्लीनिंग ब्लॉग आया, क्लीनिंग के लिए आया था मेरे पास, तो मैंने उसको इसमें इंक्लूड किया है। बाथरूम का भी आया था, तो बाथरूम मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं रहूँगी बाथरूम क्लीनिंग का ब्लॉग बनाने में, इसलिए। तो अभी रूम हो गया है सेट, और मतलब देखने में लगता है ना कि कितना फटाफट से हो रहा है, काश ऐसा होता। लेकिन मतलब सुबह 8:30 बजे से लगे मुझे 4:30 बज गए थे पूरा काम फिनिश करने में। और मेरे पैरों में और कमर में वो दर्द हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलो ये सब हो गया है। इसी बीच एक और मुसीबत आ गई थी आज ही हमारे मशीन का, मतलब एक बार ना वॉशिंग मशीन का। आज ही मैंने अभी कपड़े सुखाए, एक स्लॉट सुखा लिया था, दूसरा स्लॉट मैंने सुखाने के लिए डाला तो ड्रायर उसका काम करना बंद कर दिया। फिर अभी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर हस्बैंड अर्बन क्लैब को फ़ोन किया तो बंदा तो आया तो था, लेकिन दूसरे दिन आया था वो। तो कुछ कपड़े जो सूखे थे वो मैंने स्टैंड पे डाल दिए। और इस जैसे हम लोग रेंट वाले हाउस में रहते हैं तो यहाँ पे एक दो लोग और रहते हैं, तो उनके भी कपड़े पूरे भरे पड़े थे, तो इसी में मैंने किसी तरह एडजस्ट किया अपने भी कपड़ों को, क्योंकि संडे था तो बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह भी कुछ सूखता ही नहीं अगर मशीन में नहीं सुखाया है तो इस वजह से मैंने धूप में ले जा कर के डाल दिया था। बस उसके बाद नीचे आई, बर्तन क्लीन किया मैंने, किचन क्लीन किया, और उसके बाद से ये सब काम करते करते भूख लग गई थी। वैसे हम लोग पराठा वगैरह खा लेते हैं, लेकिन आज बस आपने देखा जैसा कि चीला बनाया था मैंने और ऊपर से इतना काम, तो भूख लगना स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद मैं खाऊंगी खाना, तो ऐसा होता है हाउसवाइफ्स का संडे। मुझे तो ये लगता है ना संडे आता ही क्यों, संडे को तो और काम बढ़ जाता है, लोगों के लिए छुट्टी हो जाती है लेकिन हाउसवाइफ्स के लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा होता होगा पर काम तो हो ही जाता है। तो बस अब मेरा काम हुआ है फिनिश, ये है मेरा लंच। मुझे दाल नहीं पसंद है उतना, तो बस मैं चटनी, राइस और रायता खाऊंगी। तो बस ये है मेरा लंच हो रहा है 4:30 बजे शाम को। जी हाँ, तो चलिए इस व्लॉग को मैं इसी के साथ यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।